हस्ती बस्ती दुनिया मेरे अंदर खालीपन सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी सारी उम्र गुजर गई एक रुपया नहीं मेरी हथेली में रखा तुमने लगता है पूरी उम्र इसी हसरत में गुजर जाएगी अब मेरी अरे वाह भाई वाह इसका मतलब तुझे मियां से नहीं मियां की कमाई से गर्ज है मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल ठीक है नहीं आप नहीं जानते और आप जान भी नहीं सकते आपको अपनी मामा की डुअल नेचर नजर ही नहीं आती तुम भी बिला वजह आया भाई शाही कर रहे हो पैसे देगे उसके मुंह पे मारो तुमने बड़ा चाचा के पास पैसे रखवाए हुए अगर मेरे पास पैसे होते ना तो इतना मसला नहीं होता खुद रकम दबा के चाची बैठी हुई ना इसलिए देने में नफरत दिखा रही हूँ तो रेशा बार अपने पेरेंट्स की अकलौती बेटी उसे मामा की बेजा इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं और जो रही सही कसर थी वो राबी की इनफर्टिलिटी रिपोर्ट नहीं पूरी करती इस बात का दूर शेवार से क्या ताल्लुक ताल्लुक था क्योंकि उसी वक्त दूर शेवार एक्सपेक्ट कर कितनी आसानी से कह दिया सोबान विल एक्सिक्यूट ठीक ही कहती थी रबाब मैं एडजस्टमेंट का आदी हो गया हूं पर अब और नहीं प्लानिंग में मेहनत मेरी पार्टनरशिप मेरी और क्रेडिट सोबान का नहीं मैं इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा नॉट इवन फॉर यू My brother Subhan. Hello. Assalamualaikum Subhan bhai. Waalaikum Assalam ji kaun? हाँ भाई पहचानने में जरा टाइम तो लोगे ना नई नई रिश्तेदारी जो हुई है वैसे रिश्ता हमारा एक सा ही है तुम मेरी साली का शौहर और मैं तुम्हारी साली का शौहर कैसा यासिर भाई अरे वाह सारू जी वाह 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 कमाल कर दिया आपने कसम अल्लाह पाक की इज्जत और भी बढ़ा दी आपने नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप बताइए घर पे सब खैरियत है अल्लाह का शुक्र है बस वो थोड़ी सी जरूरत पड़ गई थी आपको तो पता ही ना कि परेशानी में इंसान अपनों को याद करता है जी जी बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए ज्यादा नहीं बस अपने दरिया जैसे अकाउंट से मेरे मतलब चंद कतरे नोटों के थोड़ी सी रकम तो दे ही सकते हैं आप अल्लाह बाकी अगर इमरजेंसी नहीं होती ना तो कभी आपको तकलीफ ही नहीं देता मैं नहीं नहीं यासिर भाई इट्स ओके आप बेफिक्र रहिए आपको पैसे मिल जाएंगे बड़ी मेहरबानी और मम्मी पापा तो ठीक है ना जी जी अल्लाह का शुक्र है ठीक है मेरा सलाम कहिएगा उन्हें अल्लाह हाफिज जरूर अल्लाह चाय हाँ क्या हुआ है आपका मूड क्यों ऑफ है नहीं नहीं कुछ नहीं क्या रबाब ने कोई बदतमीजी की है नहीं भाई रबाब ने कुछ नहीं किया ये अरीशा और रबाब का इतना बेतकल्लुफ होना मुझे पसंद नहीं आ रहा आई नो उस दिन पार्टी में उन दोनों को मैंने नोटिस किया था ये दोनों आपस में बहुत फ्रैंक हैं और इन दोनों की फ्रैंकनेस हम लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है
रबाब दुर्रे शहवार के बारे में सब कुछ जानती है, उसने अगर अरीशा को बता दिया तो अरीशा तो अपना फैसला बदल देगी। मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं एक बार फिर औलाद की नेमत पाने से पहले ही महरूम हो जाऊं उससे। आपको वो दिन याद है ना? चलो ठीक है, अब ये इस डॉक्टर ने ये कह दिया, लेकिन कोई हरफे आखिर तो नहीं है ना, हम सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। नहीं ले सकते, सारे डॉक्टर्स ने यही कहा है कि मैं अब माँ नहीं बन सकती। दुख तो ये है हो के पूरी मैं अधूरी, मैं अधूरी, मैं अधूरी। मामा, I'm really happy today. आज मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। क्या हुआ? अभी हम डॉक्टर से होके आ रहे हैं और I'm gonna be a dad. वाकई? जी। बहुत-बहुत मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें भी। थैंक यू। बहुत खुशी की खबर सुनाई है। जाने राबी के दिल पर क्या गुजरेगी जब वो ये खबर सुनेगी। क्या करूं, कैसे उसकी झोली खुशियों से भर दूं? कितने सालों से मेरी बच्ची इस खुशी के लिए तरस रही है। कितनी हर्ट होगी जब वो शहवार की गोद हरी भरी देखेगी। तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ है मामा, कहाँ खो गई हैं आप? तुम फिक्र नहीं करो, इस बार मैं कुछ गलत नहीं हूं। थैंक यू। तुरेशा वार अपने पेरेंट्स की अकलौती बेटी है, उसे मामा की बेजा इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं, और जो रही सही कसर थी वो राबी की इनफर्टिलिटी रिपोर्ट ने पूरी कर दी। इस बात का दूरे शेवार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक था, क्योंकि उसी वक्त दूरे शेवार एक्सपेक्ट कर रही थी। या अल्लाह, कितनी साजिशें हैं जुबैदा आंटी और उनके बेटे बेटे का पपेट ज्यादा। जीना मेरा है मजबूरी, मैं अधूरी। रबाब, अरे तुम यहां पर हो, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूं। तैयार हो जाओ, I'm taking you out for dinner. ये मेहरबानी किस खुश है? क्या मतलब है? काफी दिन हो गया हाथ और बिना, अच्छा लगता है जब मियाँ और बीवी साथ में डिनर करें। बीवी हूँ मोहब्बत में, क्योंकि आप अपने हिस्से की मोहब्बत दुरे शहवार से कर चुके। मेरे साथ तो एक महज खोखला और कमजोर रिश्ता, जिसे तोड़ने में आप शायद उतना वक्त भी ना लें जितना वक्त आपने अपनी मनपसंद महबूब दुरे शहवार के लिए लिया था।
एहसान, मैं इस वक्त तुमसे एक बहुत मुश्किल बात कहने वाली हूँ। बेटी, अगर तुम्हें मैं ये बताऊं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हारी बहन को जरूरत है, बल्कि यूं समझो उसकी जिंदगी की तमाम खुशियां उसी से वाबस्ता हैं, तो तुम क्या करोगे? Obviously, मामा दे दूंगा। राबी की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है? सोच लो। अरे मामा, आप कहकर तो देखें। तुम अपना होने वाला बच्चा राबी के नाम कर दो। चुप क्यों हो गए? Now prove it। भाई तो अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो मेरे बेटे हो, सुबैदा मंसूर के बेटे हो, और मेरे बच्चों ने तो आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। कहो ना एहसान कि तुम मेरी ये बात नहीं टालोगे, बहन की जिंदगी का ये खिलाफ पूरा कर दोगे? तुम अपनी बहन की जरूरत के वक्त क्या उससे मुंह मोड़ोगे? तुम ऐसा नहीं करोगे ना एहसान? बोलो ना एहसान, तुम वादा करो कि अपने आने वाली खुशी अपनी बहन की झोली में डाल दोगे? Are you in your senses, एहसान? ये हमारा बच्चा है, कोई घर का शोपीस नहीं जो तुम्हारी बहन को पसंद आया और उसको दे दिया जाए। तुम बिना वजह बहस कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते होगे, लेकिन मेरा बच्चा नहीं दे सकते। नेवर। कहीं तुम अपना नुकसान ना कर बैठो। बेहतर इसी में कि तुम जिद मत करो। तुमने और तुम्हारी मामा ने समझ के क्या रखा है अपने आप को? अब तक तुमने मेरा जुनून और मेरी जिद नहीं देखी। यू जस्ट वेट एंड सी। इधर हो। बीबी कहाँ है तुम्हारी? सारे घर में उसे ढूंढ रही हूँ। गुल भी ढूंढ चुकी है, कहीं नजर नहीं आ रही। मामा वो चली गई है। कहाँ चली गई? उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। दिमाग खराब हो गया उसका? क्या मतलब है मानने से इनकार कर दिया? सब तुम्हारा कसूर है। ये तुम्हारे बेजा लाड प्यार का नतीजा है जो तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा है। बस कोई जरूरत नहीं है उसे मनाने की। हेलो, बोल रहा हूं। क्या क्या हुआ? क्या हुआ दुरेशा? डॉक्टर से बात हुई आपकी? क्या हुआ? ऐसे प्रिटेंड ना करो एहसान। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि तुम लोगों को उसकी कितनी फिक्र है। पता नहीं क्या क्या होगा तुम लोगों ने उसके साथ, जो आज मेरी बेटी ने ये कदम उठा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी हरकतों की तुम हमें जिम्मेदार ठहरा रही हो? डॉक्टर हाउस में She's better and she's not in any critical condition right now. But unfortunately, हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या मतलब? दरअसल दुरेश अहवार ने
अपना फर्स्ट बेबी खुद अबॉर्ट करने के लिए जो पिल्स यूज की, उससे ना सिर्फ उसने अपना बच्चा खोया है बल्कि खुद उसकी कंडीशन भी क्रिटिकल हो गई है। ये तो आप शुक्र करें कि मुजफ्फर साहब ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट किए और ये सुसाइड केस नहीं बना। थैंक यू। राइट, सुन लिया तुमने? तुम्हारी बेटी बदतमीज और जिद्दी है ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतनी खुदसर होगी ये इल्म नहीं था। चलो एहसान, एक मिनट नहीं रुकना मुझे, यहाँ पछताएगी वो। मामा ये क्या किया है उसने? कैसा कर सकती है वो औरत ऐसे? पागल है क्या वो? उसने सिर्फ हमारा नुकसान नहीं किया, उसने अपने लिए भी इस घर में वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। और नायला खाना? मुझे अपना वकार अपनी बहन से ज्यादा अजीज है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा? जिस औरत ने अपनी जिद की खातिर अपनी औलाद की कुर्बानी दे दी वो इस घर में रहने के काबिल है? तुम्हें फैसला करना होगा। जिस औरत ने तुम्हारी माँ की हुक्म अदूली की, अपनी औलाद की परवाह नहीं की, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। बस शहवार, तुम कैसी है तुम्हारी तबीयत? तुम्हें देख लिया, समझो ठीक हो गए। मुझे यकीन था तुम ज्यादा देर नाराज नहीं रहोगे। मैंने तुम्हें बोला था एहसान कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, लेकिन तुम माने ही और मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारी और तुम्हारी मामा की बिला वजह की जिद की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। दूसरों को ब्लेम कर कर तुम अपनी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकती। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने मेरी बहन की खुशियों के लिए मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुझे खो दो। ये सब करके तुमने अपनी जिद पूरी कर ली, लेकिन मुझे खो दिया। दुरे शहवार, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता, तलाक देता। शहवार तुम्हें ठीक ही होता, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। तुमने मुझे बताया नहीं कि एहसान और दुरे शहवार के माजी से तुम्हारा क्या कनेक्शन? जो काम दुरे शहवार नहीं कर सके वो काम करने के लिए मुझसे कहा गया है। खूबसूरत लॉन है, घर तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन। जब तक ये सब कुछ हासिल ना हो
तो लगता है जैसे जिंदगी की खुशियाँ इन खूबसूरत चीज़ों और कीमती आसाइशात से जुड़ी हैं। अगर नहीं, जिंदगी की खुशियाँ सिर्फ अच्छे लोगों के साथ से वाबस्ता होती हैं। इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक पल को लगता है जैसे इसे मुझसे मोहब्बत हो गई और अगले ही पल में कितनी पत्थर दिल हो जाती है। एहसान, भाई मेरा ख्याल ये है कि तुम दो एक दिन में फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो ताकि एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च की जा सके। क्यों सुबह तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? बाबा, मैं सोच रहा था कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैं एक इंटरनेशनल मार्केटिंग डेलीगेशन को हायर करूं और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इंटेलिजेंट थिंकिंग, ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। थैंक्स। वैसे आपने मेरे बेटे के साथ बहुत ज्यादती की, अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और आपने उसके हाथ में प्रोजेक्ट थमा दिया। हनीमून पे भेजना चाहिए था इस वक्त। जुबैदा बेगम, आपका बेटा सुभान जो है काम ही इतना शानदार कर रहा है कि हम इसको छुट्टी नहीं दे सकते। छुट्टी ना मिली जिसने सबक किया। हाँ, ये जरूर है, आप यकीन कर लीजिए मेरी बात पर कि चंद ही हफ्तों ये शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट होगा। Let's hope so. मामा, वो मैं सोची थी कि कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर जाना चाह रही हूँ। अच्छा, चली जाओ, पर दो एक दिन में वापस आ जाना। शादी के बाद लड़कियों का पेरेंट्स के घर में ज्यादा दिन रहना मुनासिब नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, तुम्हारी फोन का इंतजार कर रहा था मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम फिक्र ही करो, मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, अब मेहरबानी करके ऑफिस रहने दो, बाकी जहाँ तुम कहोगे वहाँ मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहरबानी सुभान भाई, खुदा हाफिज। यासिर, तुम अरिशा के शौहर से बात कर रहे थे? मैं भला क्यों अरिशा के शौहर से बात करूंगा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं अपने दोस्त कुर्बान से बात कर रहा था मैं। अच्छा, मुझे लगा जैसे तुमने सुबान कहा है। तेरा क्या है? तुझे तो कुछ भी सुनाई देता है। अच्छा छोड़ो, उठो जल्दी से, मुआ दो। तौबा, मम्मी ने सुबह से बोल बोल के ना नाक में दम कर दिया। उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। आज खाना नहीं बना। खाना नहीं खाना? बस जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे आज समंदर लेके जाऊंगा। सच क्या?
और मछली भी खिलाऊंगा। थोड़ी देर बाद ये तो नहीं कहेगा कि मैं मजाक कर रहा था? कसम ले ले, तेरी कसम मेरी जान। बस ये समझ ले आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज से हमारे अच्छे दिनों का आगाज हो गया। सच्ची आसिम? मुझे तो बस चल उठ उठ जल्दी कर, मुंह धो। अरे छोड़ ना मुंह, मैं बच्चों को प्यार करती हूँ, अम्मी को भी बताओ। उठ उठ बेचारी हारज़ा। मधुबन मेरा दिका नाचर, मधुबन में। गुल बीबी। जी आरिशा बीबी। मैं चाह रही थी कि आज लंच मैं बनाऊं। आप? क्यों मैं नहीं बना सकती? क्यों नहीं आरिशा बीबी, आप तो कर सकती हैं। तो ठीक है, मैं बिरयानी बनाती हूँ, मुझे सारी चीज़ें निकाल दें। एक बात कहूँ? कहें। आप बहुत अच्छी हैं, जितने अच्छे हमारे सुभान साहब हैं ना, उतनी अच्छी उन्हें बीवी मिली है। आप खड़ी बातें ही करती रहेंगी, जाएं मुझे चावल धनिया और पुदीना निकाल दें। जी। सुभान कितने अच्छे, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता। अम्मी मेरे भी लगा दे। अम्मी मुझे भी। क्या मुसीबत है, इधर आओ। अब भाग जो, और जब तक मैं तैयार ना हो ना मुझे देखो नहीं। आज नानू को दिखाते हैं। पद्मा जरा सेंट तो दीजियो। कभी लाए भी हो जो दे दूं? अरे इधर उधर देख ले यार, अरीशा का सेंट यहीं कहीं होगा। हाँ लगाती तो थी, ठहरो देखती हूँ। हटो तो सही। ताले तो ऐसे लगे जैसे चाची ने अंदर कोई खजाना दबाया हो। ये लो, चलेगा? अरे दौड़ेगा। जरा तुझे भी लगा दूँ। वैसे तुम इतने खुश क्यों? बस तुझसे क्या मेरी खुशी नहीं देखी जा रही? ऐसे ही पूछ रही थी। फातिमा आम खा, पेड़ मत गिन, बस ये समझ ले अगर ये मेरा काम हो गया ना तो ऐसी कई सेंट की बोतल ला के दूंगा तुझे। चले। मेरे ख्याल से हमें अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो पूरा प्लान है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करने के लिए कह रहा हूँ उससे 100% हमारा जो कस्टमर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होगा, हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट बेहतर होगी, हमारी कंपनी का इमेज बेहतर होगा, वील बी मोर रिलायबल। मेरा ख्याल है कि सारे रिस्क एक साथ नहीं लेने चाहिए। माने कि सुबान की रिसर्च सही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी के शॉर्ट टर्म गेंद के लिए हम कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और पॉलिसीज को दाव पे लगा दें। ऐसा नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तुम कई सालों से इस कंपनी के साथ, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि सुभान जिस एनर्जी और जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस कंपनी में आया है उसको मानने के लिए दिल और दिमाग दोनों राजी हैं। देहरा भी कहते थे ना कि बिजनेस में आंख बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए। हाँ, रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना बिजनेस। और एहसान, सुबान ने जो प्रपोजल दिया है, आई हैव नोटिस उसमें लॉजिक्स हैं, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक। सो इट्स डिसाइडेड दैट वी फॉलो द प्रपोजल ऑफ सुबान्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। थैंक यू डैड, अब इस बात पे एक अच्छी सी चाय है। राइट, चाय। Thank you.
कश्ती दुनिया मेरे अंदर खालीपन। रीशा तुम्हें पता है अगर मामा ने हमें बात करते हुए देख लिया तो वो खफा हो जाएंगे। मामा घर पर नहीं है। काफी समझदार हो गई हो तुम। आप एक दो दिन में वापस आ जाएंगी ना? तुम भी अपने पेरेंट्स से मिला, मुझे लगता है मामा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। बोलो। मुझे समझ में नहीं आया, जब आप एहसान भाई और दुरेश अवार के बारे में सब कुछ जानती थी, आपको मामा के मिजाज का भी पता था, तो फिर आपने एहसान भाई से शादी क्यों की? मैं एहसान से उस वक्त से मोहब्बत करती हूँ जब उन्हें दुरेश अवार के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता था। जब उन दोनों की सेपरेशन हुई तो मुझे लगा शायद किस्मत ने मुझे एक मौका दिया। आप देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो मैं ठीक कर लूँ। आपको देर हो रही होगी, मैं जा। अरीशा, मेरे पास भी एक सवाल है तुम्हारे लिए। तुमने मुझे बताया नहीं कि एहसान और दुरेश अवार के माजी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। जो काम दुरेश अवार नहीं कर सके वो काम करने के लिए मुझसे कहा गया है। कौन है भाई, दो घड़ी सांस तो लो। अरे फातिमा, ये समुंदर को हाथ लगाने गए थे जो इतनी जल्दी आ गए? और ये यासिर का है? उसे कुछ जरूरी काम याद आ गया। आता है उसका। अरे वाह भाई फातिमा, ये भी भाई आज का बहुत बड़ा लतीफा हो गया कि यासिर को भी कोई काम हो सकता है। ना अम्मा, लतीफा तो तब होगा जब आपको यासिर की कोई बात अच्छी लगेगी। बेचारा सारा वक्त चाची चाची करता फिरता है और चाची है कि लफ्जों के नश्तर से मार ही ना डाले उसे। कैसी बेवकूफ लड़की है, दो घंटे के अच्छा वक्त उसके साथ गुजार लिया, उसको मलका आलिया समझने लग गई है। Thank you.
अरिशा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। थैंक यू। अच्छा है लेकिन इतनी जल्दी क्या थी किचन में घुसते? ओके मामा, अच्छा है अगर ये कुकिंग करेगी तो हम लोगों को कुछ डिफरेंट टेस्ट करने को मिल जाएगा। वैसे अरिशा मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं हो। तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, ना हनीमून, ना लंच, ना डिनर, नथिंग एट ऑल। तुम्हारा दिल नहीं चाहता या तुम हो ही ऐसी? ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह जब मुनासिब समझेंगे हम कुछ प्लान कर लेंगे। गुड गर्ल, अच्छी बीवियां अपने शौहरों की कंफर्ट का ख्याल रखती हैं, उसे डिमांड नहीं करती। तुम अगर चाहो तो आज अपने पेरेंट्स के यहाँ जा सकती हो। वाकई? हाँ मिला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लिए? तुम सब के लिए खरीदारी करके आया हूं मैं। ये देखो चाचा, तेरे लिए सूट लेकर आया हूं मैं, बिन्नोट है एकदम बिन्नोट। अरे मेरी रानी, ये रंग तो देख, देख तो सही क्या चीज लेकर आया हूं तेरे लिए। निदा फिजा जल्दी आओ बेटा, देखो बाबा क्या लाए हैं, एक गुड़िया तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे लिए। अब देखियो लड़ना नहीं है अब इसके बाद। अरे चाची ऐसी क्यों घूर रही है, तू क्या समझ रही है, तेरे लिए कुछ नहीं लाया मैं। ले ले, ये लाया हूं मैं तेरे लिए, देख तो सही। ये तो मैं बाद में देखूं, पहले तो मुझे ये बता कि तेरे पास ये सब खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। चाचा खुदाई कसम खाली बिली में शादी कर ली तुमने चाची से। अगर तुम इससे शादी नहीं करते ना तो कराची की सबसे बड़ी थानेदार की होती है। अरे फजूल बातें छोड़, तुझसे जो पूछा है उसका जवाब दे, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? क्यों मेरे पास पैसे नहीं आ सकते? कोई उठाई गिरा समझ रखा है क्या? चल चाचा उठ, शकील के मुंह पर उसकी रकम मार के आते हैं। क्या मतलब पैसे का बंदोबस्त हो गया बेटा? अरे चाचा तुमसे तो इंतजाम नहीं हो सका पैसों का, तो हमने इंतजाम कर लिया। अब जल्दी से उठो या फिर खुद भुगतोगे उसे, खुद रकम का बंदोबस्त करोगे क्या? नहीं नहीं जा रहे हैं ना अब, वो जा रहे हैं मुझे दे। चल रहा हूँ बेटा, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल 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 चल। हाँ चाचा फिर हो जाए। ये देखिए लगता आपको अपने दामाद से ना कोई अल्लाह का ही वह है। ऐसे दामाद की मेहरबानी में भी कोई कोई ना कोई मुसीबत ही शामिल हो। जब इस शख्स से दूर जाने की कोशिश करती हूँ तो दिल इसकी तरफ खींचने लगता है, और जब इसकी जानिब कदम बढ़ाती हूँ तो इज्जत नफ्स दीवारें चीन बनकर रास्ता रोक लेती। बड़ी जल्दी रकम इंतजाम कर ली, लगता है नए रिश्तेदारों से खूब बन रही है। क्या जरूरत थी अनीशा के शोर से भीख मांगने की? बकवास करती है मुझे।